हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस बार काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई और जैसे कि थंबनेल देख के ही आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ। तो ये बॉक्स है, इसको मैंने मंगाया है अमेजोन से। ये वेटिंग मशीन है, वेइंग मशीन, जिससे हम अपना बॉडी वेट करते हैं। वैसे ये मल्टीपर्पज़ है, आप इसमें किचन की भी चीज़ें वेट कर सकते हो और आपका जो है बॉडी वेट जो होता है उसको भी आप इसमें वेट कर सकते हो। अभी हमको इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि एक बार मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास एक छोटा पपी है, हमारी यमी, उसके वेट के लिए हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती रहती है क्योंकि उसका जो भी खाना होता है और उसको जो भी डिवॉर्मिंग की हम मेडिसिन वगैरह देते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके वेट के अकॉर्डिंग ही रहता है। तो फिर हमने ये मंगाई है जो कि 799 की पड़ी है। अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर उसके बाद मैं इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी सारी चीज़ें देख के। तो फिर बने रहिए मेरे साथ। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पैकिंग है। इसके अंदर भी एक बॉक्स है। जैसे कि रिव्यू के तौर पे आप देख सकते हो ये ऐसे ही है, बिल्कुल हमने ऐसे देखा था। अब इसको खोल के भी देख लेते हैं कि रियल में भी ये ऐसा ही है। ये इसकी पैकेजिंग है, बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है। पूरी सेफ्टी का ख्याल रखा गया है कि ये ऊपर जो होता है ये ग्लास होता है। जैसे कि देख पा रहे हैं ये प्लेस दिया हुआ है इसकी बैटरी लगाने के लिए और दो बैटरी भी दी हुई है साथ में, कोई हांडा कंपनी करके ऐसे ही कुछ लोकल कंपनी है, ऐसे कोई बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन फिर भी चेक करते हैं और में भी ऐसे ही लगेगा। जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, मेरी एमी भी समझने की कोशिश कर रही है कि क्या है ये। और ये इसका बैटरी लग गया है, अब हम चेक करते हैं। अभी मैं आपको वेट करके दिखा देती हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं सिर्फ ऐसे हाथ वगैरह ही कर रही हूँ उसमें, तो विद इन कुछ सेकेंड आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं अभी इसको बेड पे लेके बैठी हुई हूँ तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा है। इसको नीचे रखना पड़ेगा, मतलब समतल ज़मीन पर रखना पड़ता है। तो फिर अभी आप देख सकते हैं ये इसका फाइनल लुक है। और इसके बाद वेट करने के लिए जैसे अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही इस पर वेट रखेगा और प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ पे जैसे कि मैं अपना हाथ रख रही हूँ और प्रेस कर रही हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसा भी वेट लेगा ये उस हिसाब से यहाँ पर वेट शो करेगा और साथ ही साथ यहाँ पे केजी में वेट शो कर रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर भी शो करता है। हमारा अभी यहाँ का 23 डिग्री टेम्परेचर है और ये कुछ देर में इनविजिबल भी हो जाता है। तो अगर आपको दोबारा चेक करना है तो आप एक बार उतर के इस पे से फिर से एक बार इसको प्रेस करेंगे तो इस तरीके से टेम्परेचर और वेट शो करेगा। उसके अलावा आप एक बार इसको मैं बैक करके आपको दिखाऊँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है एक बटन, इससे आप रीसेट कर सकते हैं उसका जो वेट होता है। आपको अगर चेंज करना है कि आपको केजी में नहीं चाहिए तो आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं। और ये मैंने यहाँ का बैटरी लगाया था उसका, ये यहाँ पे आप बैटरी लगाते हैं। इसका कैप मैं लगा देती हूँ। बैटरी लगाने के बाद हम इसको ऐसा बंद कर देंगे और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रीसेट करने के लिए है। तो अभी ये पूरा तैयार है, आप
इसको कहीं भी अपने बाथरूम के सामने या फिर अपने लिविंग रूम में रख सकते हो, और कहीं से भी आने के बाद आपको अपना वेट देखना है तो फिर आप अपना वेट चेक कर सकते हो। ये 180 केजी मैक्सिमम इसका वेट जो है कैपेसिटी है, और इसमें अगर ज़्यादा वेट ओवर वेट होता है तो भी आपको इंडिकेट कर देता है। जैसे कि मैं आपको इसका जो बॉक्स था इस पर भी ऑलरेडी आपको फीचर्स लिखे हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाथरूम स्केल। ज़रूरी नहीं है कि आप बाथरूम स्केल की तरह ही यूज़ करें, बाथरूम के पास ही रखें, आप अपने डाइनिंग एरिया में भी रख सकते हैं या फिर कहीं भी रख सकते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़े तो भी आप निकाल सकते हो। इसमें इसके सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। LED डिस्प्ले भी है, बैटरी है, टेम्परेचर इसका इंडिकेटर है स्क्रीन में, और इसका स्क्वायर डिज़ाइन है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बाथरूम में, किचन में मल्टीपर्पज़ के लिए होता है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें कैपेसिटी यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है 180 केजी, और ये जो है अगर आप ज़्यादा वेट इसमें हो जाता है ओवरवेट तो आपको बता देता है कि ओवरलोड हो रहा है, डिस्प्ले आपको जो है इंडिकेट कर देगा। और ये एक्यूरेट जो भी वेट दिखाता है वो एक्यूरेट होता है। और अभी ये सेंसर होता है, जैसे सेंसर मैं आपको दिखा दूँ, ये जो इसके बैक साइड में ये चारों जो होते हैं ये सेंसर्स होते हैं जिसके थ्रू ये वेट को जो है एक्यूरेट बताता है, ये सेंसर्स होते हैं। इसकी एक्यूरेसी हम चेक करेंगे कि ये जो वेट दिखा रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो ये मैंने एक 1 लीटर का बॉटल ले लिया है, इसमें 1 लीटर ही पानी आता है, और अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास और कुछ था नहीं एक्यूरेट के लिए, तो इससे हम एक बार चेक करते हैं। तो अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है, और इसको एक बार इसको रख के प्रेस करना पड़ता है अगर कोई चीज़ हमको मापनी है। तो जैसे कि अभी आप देख पाएँ ये 1 KG हो गया है, अभी हम वापस इसको इस पे रखेंगे तो ये 1 KG दिखा रहा है इसका वेट। अभी वापस से 0-0 हो गया, वापस इसको चेक करना है तो मैं वापस इस पे रखूँगी और ये 1 KG दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये एक्यूरेट दिखा रहा है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है और डिजिटल जो टाइमर दिखा रहा है वो सारी भी चीज़ें अच्छी हैं। तो और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो 0.1 KG लिखा हुआ है और ये 180 दिखा है, तो 180 के बारे में मैंने आपको बताया, और ये 0.1 KG का मतलब ये कि 100 ग्राम से कम का वेट नहीं लेगा। अगर आप 100 ग्राम से कम का कोई भी चीज़ इस पे आप वेट कर रहे हो तो उसको ये नहीं लेगा। तो ये था मेरा अमेज़ॉन का वेटिंग मशीन का रिव्यू। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये अफोर्डेबल लगती है तो आप भी इसको परचेस कर सकते हैं। सिर्फ ये मुझे 799 का पड़ा है, अफोर्डेबल है और अच्छा भी है, तो आप अगर लेना चाहें तो इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू मेरे हिसाब से तो मैं 5/4 या 4.5 देना चाहूँगी। अभी के लिए तो अच्छा है मेरे लिए, अब 1-2 दिन यूज़ करने के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ख़राब रिव्यू होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।